पाकिस्तान के जनूब मग़रिब में वाक़ सूबा बलूचिस्तान बरसग़ीर पाको हिंद की आज़ादी से कबल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेर इंतज़ाम था। ये खत्ता सिंध, अफगानिस्तान, ईरान और रूस की सरहदों तक फैला हुआ था। मुख्तलिफ अक्वाम को हिंदुस्तान जाने के लिए इसी खत्ते के खुश्की और समंदरी रास्तों से गुजरना पड़ता था, लिहाजा इसकी जोग्राफियाई हैयत और खत्ते की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए नौ आबादियाती बरतानवी इंतजामिया ने एक जूनियर फौजी अफसर रॉबर्ट क्रूफ सेंटिमेंट को बलूचिस्तान में तैनात किया। 25 फरवरी सन 1835 में पैदा होने वाला ये फौजी अफसर सन 1857 की जंग आज़ादी में बरतानवी फौज का एक अहम सिपाही साबित हुआ और लखनऊ की फतह के बाद इसे मुख्तलिफ मकामात पर बतौर जूनियर फौजी अफसर तैनात किया गया। बाद सन 1866 में सर रॉबर्ट सेंटिमेंट को सर जॉन लॉरेंस ने डेरा गाजी खान का जिला ऑफिसर मुकर्रर किया। इस खत्ते में छोटे बड़े कबाइल सरदारों का कंट्रोल होने की बिना पर अंग्रेज़ों के लिए अपनी हुकूमत कायम करना आसान ना था। चुनाचे सेंटिमेंट ने अपनी तकर्री का भरपूर फ़ायदा उठाया और बलोच कबाइल और सरदारों के मिजाज, इनके रस्म व रिवाज, समाजी ताल्लुकात और माशी हालात का बारीक बीनी से जायज़ा लिया। इनकी सख्त मेहनत बिलाखिर रंग लाई और बलोच अकवाम से मुतालिक तमाम तर मालूमात इकट्ठा करने के बाद जैकबाबाद में बलूचिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक होने वाले बरतानवी इजलास में रॉबर्ट सेंटिमेंट ने अपनी तजावीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि बलूच कबाइल सरदार और अवाम आपसी तफरकों, रंजिशों और लाकानूनीत की बिना पर शदीद अदम तहफ़ का शिकार हैं। इन हालात में बरतानवी इंतज़ामिया की मुदाखलती पॉलिसी ने हालात को संगीन सूरत हाल से दोचार कर दिया है। यहाँ के मकीनों को जंग से जीतना अक्लमंदी की बात नहीं, इन्हें मोहब्बत और खलूस से अपना बनाना ही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की कामयाबी है। इजलास में जंगी हिकमत अमली के बरक्स पेश की गई तजावीज़ पर बरतानवी चीफ ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और सेंटिमेंट को इजलास से बाहर निकाल दिया। बाद असां इन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त लिखकर सूरत हाल से आगाह किया। बलोचों को एक रियासत का शहरी बनाने का इरादा तर्क कर दें। इनके समाजी और बाहिनी ताल्लुकात जैसे भी हैं उसे मनोअन कबूल कर लें। इनकी सदियों से कायम दायम पुख्ता अकायद और रवायात को ना छेड़ें, बल्कि ऐसे इकदाम करने की कोशिश करें जिनसे इन बलोच कबाइल की अना को ठेस पहुंचाए बगैर ही अपने मकासद हासिल हो जाएं। बलोच सरदारों को शिकस्त देकर उनके इलाकों पर काबिज होना एक गैर दानिशमंदाना फ़ैसला होगा। मुझे यकीन है कि अगर बलोचों को उनकी सकाफत और रिवाज के मुताबिक अपने अपने कबाइली सरदारों के ज़ेर नगीन इलाके में रहने की खुद मुख्तारी दे दी जाए तो ना कोई बागी पैदा होगा और ना ही आइंदा कोई बगावत होगी। इस तरह यहाँ अमन भी कायम होगा और इससे अंग्रेज़ों को कोई मसला भी नहीं होगा और सरहद से बाहर आज़ादाना कबाइल बरतानवी असर व रसूख में इजाफे का बाइस भी होंगे। जितना मैं इन बलोच कबाइल और इनके निज़ाम को जानता और समझता हूँ, एक गलत कदम उठाने से हालात संगीन हो जाएंगे। जंग तमाम मसाइल का हल नहीं है। सर रॉबर्ट क्रूफ सेंटिमेंट।
रॉबर्ट सैंडमैन ने बलूच कबायली निज़ाम को मौरूसियत दी, इन्हें मजबूत और आज़ाद बनाया, कबायली अमायदीन के दरमियान अमन मुहिदे करवाए, सरदारों की जानिब से हासिल एतमाद और तआवुन को तजावीज़ की सूरत में तरतीब दिया। अवाम की तरक्की के लिए हर वो ज़रूरी अमली इकदामात किए जिससे इस खत्ते में अमन कायम हो सके। सन 1876 में सैंडमैन ने कल्लाद और बरतानवी इंतज़ामिया के दरमियान ताल्लुकात को बहाल किया, खान और कल्लाद के साथ मुहायदे पर गुफ्तगुशनीद की। इनकी मस्बत सोच की बिना पर बलोच कबाइल के दिलों में बरतानवी इंतज़ामिया के असर रसूख से मुतालिक जन्म लेने वाली गलत फहमियों का ना सिर्फ खात्मा हुआ बल्कि कई अमन मुहायदे भी होने लगे। बिलाखिर सर रॉबर्ट सैंडमैन की राय को अब बलोच कबाइल सरदारों की रजामंदी समझा जाने लगा। इन तमाम हालात व वाक़यात ने इंग्रेज़ हुक्मरानों की सोच को भी एक नया साविया दिखाया। अब इनका इरादा बलूचिस्तान पर कब्ज़ा करना नहीं था बल्कि इसे एक आज़ाद सूबे का दर्जा देना था। चुनाचे इस नई रियासत का नाम ब्रिटिश बलूचिस्तान रखा गया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने सन 1877 में सर रॉबर्ट क्रू सैंडमैन को बलूचिस्तान का गवर्नर जनरल मुकर्रर किया और पूरी रियासत को नौ आबादियाती बरतानवी इंतज़ामिया के मातहत कर दिया। यूं ब्रिटिश बलूचिस्तान सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। सर रॉबर्ट सैंडमैन बिलाशुबा ब्रिटिश बलूचिस्तान और कॉलोनियल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एक कामयाब मुंतज़िम साबित हुए। सैंडमैन ने सन 1879 से सन 1889 तक कई अहम काम सरंजाम दिए। जिनमें दूसरी अफगान जंग के बाद पठानों के लिए KCSI बनाई गई जिसका मकसद मेवन में कबाइल को कंट्रोल करना, कोयटा और कंधार के साथ नकलो हमल और मवासलात की लाइन बहाल करना, फारस कंधार और बरतानवी भारत के दरमियान तीन तिजारती रास्तों तक रसाई हासिल करना, कोही सुलेमान के मगरब की जानिब पहाड़ी इलाके में नए सूबे की हदूद का तायुन करना, शाहराहों की तामीर, बरतानवी भारत की हाईवेज के रास्तों को कबाइल के साथ मिलकर महफूज बनाना, सरई निज़ाम को फ़रोग देना, जोक वेली और गोमल दर्रा खोलना सैंडमैन निज़ाम के नहायत अहम इकदाम थे। लेकिन पठानों के लिए ये पॉलिसीज काबिले कबूल ना थी। अब भी इस खत्ते में अमन के इकदामात का नफाज जारी ही था कि लसबेला में डाम के इलाके में सैंडमैन की तबीयत नासाज हुई। खराब सेहत के साथ सर रॉबर्ट सैंडमैन बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते रहे। शाही बाग को अपनी आखिरी आरामगाह के लिए मुंतखब किया। शानदार कारहाए नुमाया अंजाम देने वाला ये इंग्रेज बेला में 29 जनवरी सन 1892 में आसुदाए ख्वाब हुआ। अपनी आला खिदमात के बाइस आज भी सैंडमैन का नाम अहले बलूचिस्तान बेहद इज्जत से लेते हैं। सर रॉबर्ट सैंडमैन बलूचों के दिलों में स्कूल, लाइब्रेरीज, सैंडमैन फोर्ट, सैंडमैन तंगी की सूरत में आज भी जिंदा है।